मामले पर फैसला आने से पहले प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने मामले पर सोशल मीडिया और पोस्ट को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। अयोध्या मामले से जुड़े मैसेज, सोशल मीडिया पर पोस्ट कमेंट करने पर रोक लगाई गई है, साथ ही पोस्टर लगाने पर भी मनाही है। अयोध्या के डीएम ने बताया है कि 28 दिसंबर तक राजनीतिक धार्मिक रैलियों और जुलूस पर रोक लगी रहेगी, साथ ही लाइसेंसी को भी साथ लेकर चलने में जो है वो मनाही है। पिस्टल, सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही हथियारों के साथ अयोध्या में आ सकते हैं। तो जिनके पास लाइसेंसी बंदूक या राइफल या हथियार है वो भी अयोध्या में उसे लेकर नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अधिकारी ही हथियारों को लेकर अयोध्या में आ सकते हैं। 31 तारीख का यानी कि 31 अक्टूबर का एक जो है धारा 144 का हमने ऑर्डर जारी किया हुआ है, जिसके क्लॉज 10 में हमने बहुत क्लियरली कहा है और उसको मैं यहाँ पर कोट भी कर देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, संप्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, भ्रामक, असत्य, दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन, वॉल पेंटिंग नहीं करेगा और नहीं कराएगा। कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, लाइक, शेयर नहीं करेगा और नहीं फैलाएगा, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न है। तो इसमें हमने बहुत क्लियर कट ये कहा है कि कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं करना है जैसे कि गलत सूचना दे करके कुछ किसी को इंसल्ट किया जाए या कोई भावना जो है भड़काया जाए, इंसाइट किया जाए, इससे बचना है। शांति तो रहनी चाहिए, कोई भी निर्णय आए शांति रहनी चाहिए, अशांति होने का कोई कारण नहीं। और अयोध्या को भी सरकार की जिम्मेदारी है वो शांति बनाकर रखे, इस प्रकार की कोई कार्रवाई न कर दे जिसके कारण से वहाँ तनाव पैदा हो जाए। तो शांति वहाँ है, शांति वहाँ रहने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि निर्णय आने दीजिए, कहीं कोई अशांति होने वाली नहीं हिंदू समाज की ओर से। फैसला आ जाए उसकी प्रतीक्षा हो रही है, इसके बाद आगे कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन कोई फैसला राम जन्मभूमि पर आता है वो आता रहेगा, लेकिन उस फैसले के बाद हम काशी और मथुरा इसके ओर भी कूच करेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति का जब हमने निर्माण किया था तो 3 ही स्थान हमारे एजेंडे में थे। प्रथम एजेंडा हमने फिर राम जन्मभूमि का बनाया। अब राम जन्मभूमि का निर्णय आ रहा है, अब क्या आता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि के साथ समझौता तो किया ना जा सकता।